टीचर को जो बच्चों के साथ रहते हैं उनको आप बिल्कुल मना करते हैं कि आपको चिल्लाना नहीं है, अच्छे अगर आपका मूड सही नहीं तो बिल्कुल बात मत कीजिए या फिर आप नहीं आइए, है ना। बच्चों के बीच में एक्सपोजर नहीं होना चाहिए कि हम, क्योंकि वो हैबिट वो भी ऑब्जर्व करेंगे और लर्न करेंगे। तो यहीं पे दो चीज़ें आती हैं, ये भी कहा जाता है कि बच्चों जैसे घर में दो चार बच्चे होते हैं जिनके, तो वो ना नहीं बड़ा इरिटेटिंग हो जाता है, बहुत एक माहौल जो है गुस्से वाला, भी बच्चे परेशान कर रहे हैं, परेशानी होती है। वहीं दूसरी तरफ ये भी है कि बच्चों के साथ रहने से, जो बच्चों के साथ रह रहा है जो एक इंडिविजुअल जो टीचर, उनका मेंटल हेल्थ बेटर हो जाता है। तो आपने क्या ऑब्जर्व किया कि उनका मेंटल हेल्थ और अच्छा हो जाता है या और चिड़चिड़े हो जाते हैं बच्चों के साथ रह के? यहाँ पे मैं एक बात जरूर कहना चाहती हूँ, अगर आपका पैशन नहीं है बच्चों को पढ़ाने के लिए, प्लीज डोंट कम टू दिस फील्ड। पैशन होना बहुत जरूरी है, बिकॉज आपका अगर पैशन होगा देन यू कैन बिकम पैशनेट एंड देन यू कैन बी गुड लिसनर ऑल्सो, क्योंकि बच्चे को लिसन करना बहुत जरूरी है। हियर मैं तो बोलती हूँ, देखो बच्चे इज एन पॉजिटिव एनर्जी के जो भरपूर होते हैं ना वो बच्चे में होते हैं, चाहे बच्चे जितना भी इरिटेट करे, कोई इरिटेशन नहीं होता है उनको मोल्ड करना, तो ये आपका काम है। अगर बच्चे इरिटेट करना है कर रहा है, इसका मतलब यू आर नॉट अ गुड टीचर। तो उनको ऐसे एंगेजमेंट करो, ऐसे एक्टिविटी कराओ, ऐसे चीज कराओ, बच्चे ऑटोमेटिकली वो चीज भूल के दूसरे उसमें फोकस करना शुरू कर देगा। ये दिस इज द कैपेबिलिटी ऑफ द टीचर। एंड अनदर, बहुत लोग मेरे पास आते हैं, बोलते हैं मैम मुझे जॉब दे दीजिए, ये तो एबीसीडी पढ़ाना है। इट्स नॉट ए एबीसीडी पढ़ाना नहीं होता है यहाँ पे, एबीसीडी पढ़ाना दिस इज अ पार्ट बट इट्स नॉट अ ओनली एबीसीडी। आप एक चीज ए को भी कितनी अच्छी तरह सिखा सकते हो, दिस इज द मेन थिंग ऑफ अ टीचर। मैं हंस हंस के पढ़ा रही हूँ, मैं गुस्सा होकर पढ़ा रही हूँ, मैं दिस इज माई ड्यूटी तो मैं पढ़ा रही हूँ, एंड आफ्टर मंथ आई विल गेट द सैलरी। मोमेंट यू से दैट दिस इज द माई जॉब एंड आई विल गेट सैलरी, देन यू विल नेवर फ्लरिश इन दिस फील्ड। आपको वो लव, वो पैशन, वो सब कुछ आपके अंदर से होना चाहिए, तब आप बच्चे को पॉजिटिव एनर्जी दे पाओगे। अगर आप 1% पॉजिटिव एनर्जी दोगे बच्चे को, बच्चे से आपको 10% 100% पॉजिटिव एनर्जी मिलेगा, जो पूरे दिन में आप पूरे की पूरी एनर्जेटिक रहोगे। आपने बहुत अच्छी बात की, जो ज्वाइन कर रहे हैं इस फील्ड में आ रहे हैं तो लिसनिंग स्किल होना चाहिए, कैसे सुनना है। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट मैम ने रेज किया है। इसी के साथ मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन करना चाहूँगा, जितने लोग देख रहे हैं इस वीडियो को, आप कमेंट करके बताएं कि लिसनिंग के लिए, लिसनिंग स्किल को डेवलप करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट क्या है। लिसनिंग, टू लिसन यू नीड वॉट, तो आप लोग बताइए, तब तक हम जारी रखते हैं अपना डिस्कशन। तो अभी हमने जो बात की कि इस फील्ड में आना है तो किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, ऐसा नहीं कि एज अ जॉब आप जॉब लें या आपको लगे कि ये तो मेरे बस ड्यूटी है। तो अंदर से अफेक्शन होना चाहिए, लव होना चाहिए इस फील्ड के प्रति, बच्चों के प्रति, तब जाके फ्लरिश करेंगे।